हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गांव की हाउसवाइफ में। फ्रेंड्स, आज मैं रीयूज़ करने वाली हूं। देखिए, इस तरीके के जो लहसुन प्याज की बोरियां होती हैं उसी का मैं रीयूज़ करने वाली हूं। देखिए, इस तरीके से ये फट चुका है, किसी काम का नहीं है और ये पतला भी होता है, तो ऐसे भी इसमें कुछ हम कर नहीं सकते हैं इसका। तो देखिए, पहले हम साइड से इसका जो पार्ट है ये कट कर लेंगे, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है साइड वाला पार्ट, तो इसे हमें सबसे पहले कट कर लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए, इस तरीके से हम ओपन करेंगे और ये जो साइड में यहाँ पे हार्ड वाला पार्ट होता है इसे भी हम कट करके निकाल देंगे। इसे कट करने के बाद देखिए, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें एक मोटा नीडल लेना है और इसी में से हम देखिए, जो कट वाला पार्ट था इसमें से हम थ्रेड निकाल लेंगे इसी के कलर का, और इसे हम देखिए इस तरीके से इसके नोक को हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से नीडल में इंसर्ट करके और एक बड़ा सा नोट लगा लेंगे, और नोट लगाने के बाद देखिए, हम इसके साइडों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और फोल्ड करने के बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमें पहले एक नोट लगा लेना है, उसके बाद देखिए हमें इस तरीके से स्टिच करते जाना है। यहाँ पे मैं सिंपल सिलाई करके स्टिच कर रही हूँ, तो ऐसे हमें अंदर की साइड, इसके साइड्स जो हैं थ्रेड निकलते हैं, इसलिए हमें अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो देखिए, इसी तरीके से हम फोल्ड करके इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, तीनों साइड से हमने इसे कवर कर दिया है इस तरीके से, और एक साइड तो हमारा बंद वाला पार्ट है, और तीनों साइडों से हमने इसे स्टिच कर दिया है। अब हमने लिया है यहाँ पे कुछ पुराना ऊन जो मैंने पुराने स्वेटर से रिमूव किया है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये जो पतले वाले ऊन है ये तो किसी काम के नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो मोटा है फेदर का ऊन है, तो इसी से हम आज कुछ बनाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसे फोर फिंगर में इस तरीके से लपेटना है, और लपेटने के बाद देखिए हमें इस तरीके से उंगलियों से बाहर निकाल लेना है यहाँ पर, और उसके बाद हमें सीजर की हेल्प से यहाँ पे इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें एक पार्ट और कट करना है, तो देखिए इस तरीके से हम एक बार और कट करेंगे, तो ये इस तरीके से इतने छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। अब देखिए, मैंने इतने सारे टुकड़े यहाँ पर कट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अगेन हमें एक मोटा नीडल लेना है और उसमें सेम कलर का हमें धागा लेना है, और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे दो दो टुकड़ों को, हमें ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ऊन हमारा मोटा है, तो हम दो दो टुकड़ों को लेते जाएंगे और इस तरीके से हम देखिए स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पे हमें बैक स्टिच करना है, इस तरीके से हमें धागे को पीछे की साइड करना है और आगे की तरफ ले जाना है, इसे बैक स्टिच कहा जाता है। हमारे यूपी बिहार में इसे बखिया या फिर तुरपाई के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें दो दो धागों को लेना है और हमें बैक स्टिच करते जाना है। तो ये देखिए, इसे बनाना बहुत आसान है, बस दो दो धागों को आप रखते जाइए और स्टिच करते जाइए। जस्ट आपने क्या करना है कि धागे के पास रखकर देखिए इस तरीके से, और धागे को पीछे की साइड करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। फिर से देखिए, हम यहाँ पे दो ऊन का टुकड़ा लेंगे और हम पीछे की साइड से देखिए इस तरीके से सुई को बाहर की साइड निकालेंगे आगे की साइड, और इस तरीके से हमारा ये स्टिच हो जाएगा। फिर से हम दो टुकड़ा लेंगे और इसी तरीके से हमें देखिए यहाँ पे रखना है और धागे को पीछे करना है, और पीछे की साइड से ही देखिए हमें यहाँ पे सुई को आगे की तरफ निकालना है इस तरीके से। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से हमें वन बाय वन धीरे धीरे स्टिच करते जाना है। इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन बनने के बाद आप लोग कहेंगे कि वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही यूजफुल चीज़ मैं आज बना रही हूँ। तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि घर पे हम इतनी सुंदर चीज़ कैसे बना सकते हैं।
तो इसी तरीके से हमें एक लाइन कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब जब हम दूसरी लाइन लेकर जाएंगे तो क्या करना है हमें कि देखिए इसे हमें इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेना है और बीच में हमें वन फिंगर जितना डिस्टेंस रखना है। आप टू फिंगर भी रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा घना बनाना है तो वन फिंगर रखिए, थोड़ा पतला बनाना है तो फिर टू फिंगर रखिए। इस तरीके से हमें फिर से सेम उसी प्रोसेस से धागों को अटैच करते जाना है और बैक स्टिच करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे थोड़ी सी स्टार्टिंग में परेशानी होगी, धागे उलझेंगे, लेकिन फिर दो तीन बार करने के बाद आप अच्छे से कर पाएंगे, आपके धागे नहीं उलझेंगे। यहाँ पे अगर आप धागे छोटे छोटे लेते हैं ना तो आपको और भी परेशानी नहीं होगी, थोड़ा बड़ा लेने पे धागे थोड़े उलझते हैं, पर कोई बात नहीं, इतना तो हम मैनेज कर ही सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें वन बाय वन करके स्टिच करना है। हमें दो दो धागों को लेते जाना है और हमारी जो नीडल है वो पीछे की साइड से हमें करके आगे की तरफ हमें निकालना है इस तरीके से। तो हमारा एक एक करके धागा स्टिच होता जाएगा और निकलने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत टाइट नोट जैसा लगा दे रही हूँ तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आप इसे कितना भी हिलाइए निकलेगा नहीं बाद में। बस इसी तरीके से हमें स्टिच करते जाना है। दो दो धागे लेने हैं और इसके ऊपर रखना है, हाफ इधर हाफ उधर, और बीच में हमें इसके स्टिच करना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है और आप लोग भी इसे इजीली बना सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से हमें सारे बोरे के ऊपर स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक हमारा प्यारा सा डोरमेट रेडी हो गया और इसके पीछे देखिए मैंने कितनी मजबूत सिलाई लगाई है, तो निकलने की तो कोई बात ही नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, कोई कह नहीं सकता कि आपने इसे घर में तैयार किया है वेस्ट बोरी से और वेस्ट ऊन से। ऊन भी मैंने पुराना ही यहाँ पे यूज़ किया है, अक्सर बच्चों का स्वेटर छोटा हो जाता है तो हम उसे ओपन करके ऊन निकाल ही लेते हैं और उसका मैंने गोला बना के रख दिया था और उसी को मैंने यूज़ किया है। ये फेदर वाला ऊन है, पहले बहुत ये इसका फैशन था बट अब इस टाइप का स्वेटर कोई यूज़ नहीं करता है, तो इसीलिए मैंने इसे इस तरीके से यूज़ किया है। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लग रहा है। अगर आप लोग इस तरीके का डोरमेट ख़रीदने जाएंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली मिलता है, लेकिन थोड़ी सी सूझबूझ से हम घर में ही इतने सुंदर डोरमेट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय।